आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संचयी बारंबारता बंटन के आलेखिक निरूपण को सीखा। आज इस वीडियो में हम इस पर आधारित दिलचस्प उदाहरण देखेंगे। एक कस्बे की 100 दुकानों का प्रतिदिन का मुनाफा यानी प्रॉफिट निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड किया गया है, तो क्या आप उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का तोरण खींच सकते हैं? चलिए देखते हैं। हम जानते हैं कि तोरण प्राप्त करने के लिए सबसे पहले दिए गए बंटन में से कम प्रकार के तोरण के लिए कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन का निर्माण करते हैं। यहां आप देख सकते हैं कि 50, 100, 150, 200, 250 और 300 संगत वर्ग अंतरालों की ऊपरी सीमाएं हैं। प्राप्त हुई बंटन सारणी से आंकड़ों को आलेखिक रूप में निरूपित करने के लिए x अक्ष पर लाभ की ऊपरी सीमाएं रुपए में तथा y अक्ष पर संचयी बारंबारताएं अंकित करते हैं, जहां उच्च सीमाएं लाभ को व संचयी बारंबारताएं दुकानों की संख्या को दर्शाता है। यहां हम x अक्ष पर वर्ग इकाई का बराबर 50 रुपए तथा y अक्ष पर पैमाना वर्ग इकाई बराबर 10 दुकान लेते हैं। आइए अब इन सभी उच्च सीमा व संगत संचयी बारंबारता से प्राप्त क्रमित युग्मों के संगत बिंदुओं A, B, C, D, E और F को आलेख पर आलेखित करें और इन सभी बिंदुओं को सावधानी पूर्वक मिलाते हैं। प्राप्त हुई यह वक्र से कम प्रकार की एक संचयी बारंबारता वक्र या तोरण कहलाती है। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। एक कॉलोनी में स्थित 360 पेड़ों की ऊंचाइयों को मापा गया, जिसे निम्न बारंबारता बंटन में दर्शाया गया है, तो क्या आप इन आंकड़ों के लिए एक ही अक्षों पर दोनों तोरण खींच सकते हैं तथा इसके बाद पेड़ों की माध्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। दिए गए बंटन की सहायता से सबसे पहले से कम प्रकार के तोरण के लिए कम प्रकार का संचयी बारंबारता बंटन का निर्माण करते हैं। जहां 7 से लेकर 56 संगत वर्ग अंतरालों की उच्च सीमाएं हैं, तो क्या आप उपरोक्त बंटन की सहायता से कम प्रकार का तोरण खींच सकते हैं? शाबाश! बंटन सारणी से प्राप्त आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करने के लिए x अक्ष पर ऊपरी सीमाएं तथा y अक्ष पर संचयी बारंबारताएं अंकित करते हैं, जहां उच्च सीमाएं पेड़ों की ऊंचाई व संचयी बारंबारताएं पेड़ों की संख्या को दर्शाती है। यहां हम x अक्ष पर वर्ग इकाई बराबर 7 पेड़ तथा y अक्ष पर वर्ग इकाई बराबर 50 फुट लेते हैं। चलिए इन सभी ऊपरी सीमा व संगत संचयी बारंबारता से प्राप्त क्रमित युग्मों के संगत बिंदुओं A, B, C, D, E, F, G और H को आलेख पर आलेखित करें और इन्हें सावधानी पूर्वक मिलाएं, जिससे हमें एक वक्र प्राप्त होता है, जिसे हम से कम प्रकार का तोरण कहते हैं। तो क्या अब आप दी गई बंटन की सहायता से अधिक प्रकार का तोरण प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सही। इसके लिए हम अधिक प्रकार के संचयी बारंबारता का निर्माण करते हैं।
जहां शून्य से लेकर 49 तक संगत वर्ग अंतराल की निम्न सीमाएं हैं। इन प्राप्त आंकड़ों को आलेखीय रूप में निरूपित करने के लिए एक्स अक्ष पर निम्न सीमाएं तथा वाई अक्ष पर संचयी बारंबारताएं अंकित करते हैं। निम्न सीमा व संगत संचयी बारंबारता से प्राप्त क्रमित युग्मों के संगत बिंदुओं ए बी सी डी ई एफ जी और एच को आलेख पर आलेखित करते हैं और इन सभी बिंदुओं को सावधानी पूर्वक मिलाते हैं, जिससे हमें एक वक्र प्राप्त होता है जिसे हम से अधिक प्रकार का तोरण कहते हैं। चूंकि हमें तो दोनों प्रकार के तोरण के साथ साथ इनका माध्यक भी ज्ञात करना है, तो बताइए इसके लिए हमें क्या करना होगा। बिल्कुल सही, इसके लिए हम एक ही अक्ष पर दोनों तोरण खींचते हैं। ध्यान से देखें तो बता सकते हैं कि ये दोनों तोरण एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि इस प्रतिच्छेदी बिंदु से क्षैतिज पर एक लंब खींचते हैं, खींचा गया लंब जिस अक्ष पर क्षैतिज अक्ष को काटता है वही आंकड़ों का माध्यक होता है, यानी कि 32 इन दोनों तोरण का माध्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि पेड़ों की ऊंचाई का माध्यक बराबर 32 फुट है। तो उम्मीद है कि आपको संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण समझ आ गया होगा। अध्यापक भी कक्षा में विद्यार्थियों की सूझबूझ का परीक्षण ऐसे ही कुछ उदाहरणों की मदद से कर सकते हैं।